हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार मैगजोन पर। तो आज हम इस वीडियो का, जैसे आपको थंबनेल से समझ में आ गया होगा, गेट 2021 के लिए क्या इम्पोर्टेंट या नए पॉइंट्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए गए हैं आईआईटी बॉम्बे द्वारा, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे और कुछ अच्छी बातें भी आपको बताएंगे जो आपके लिए यहाँ पर गेट 2021 में बताई गई है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो इस बार आपको पता होना चाहिए कि हमारा गेट 2021 जो है वो आईआईटी बॉम्बे द्वारा कंडक्ट किया जाएगा और यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो डेट है वो स्टार्ट हो रही है आपकी 14 सितंबर से। ठीक है, 14 सितंबर से यहाँ पर आपकी डेट जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी और लास्ट डेट जो अभी प्रपोज दी गई है दैट इज 30th सितंबर। ठीक है, लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर गेट 2021 इज 30th सितंबर विदाउट अ लेट फी एंड अक्टूबर 7 विद अ लेट फी। तो 7 अक्टूबर यहाँ पर लेट फी के साथ है और 30th सितंबर आपकी कोई लेट फी नहीं है, लेकिन हो सकता है यहाँ पर इन डेट्स में चेंज किया जाएगा बिकॉज ऑफ द ऑनगोइंग कोविड-19 सिचुएशन। इसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो आपके गेट 2021 में जो न्यू पॉइंट्स हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए, ये है कि यहाँ पर एग्जाम आपका दो स्लॉट में होगा। पहला स्लॉट आपका रखा गया है 5 से लेके 7 फरवरी 2021 और सेकंड स्लॉट है आपका 12 से लेके 13 फरवरी 2021। तो कुछ एग्जामिनेशंस हमारे जो होंगे 5 से 7 तारीख के बीच में होंगे और बाकी ब्रांचेस के एग्जाम्स हमारे होंगे यहाँ पर 12 से 13 फरवरी में, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर कि हमारे नंबर ऑफ ब्रांचेस काफी ज्यादा है और एग्जाम्स मोस्टली हमारे सैटरडे संडेज को ही होते हैं और क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है तो लैब हमें वहां पर फ्री चाहिए होते हैं, उस दिन कराते हैं जिस दिन कॉलेज हमारा ऑफ होता है। तो ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर सेकंड पॉइंट जो है आपका, यहाँ पर दो न्यू सब्जेक्ट्स को इंट्रोड्यूस किया गया है आईआईटी बॉम्बे द्वारा। पहला है आपका एनवायरमेंटल साइंसेज एंड इंजीनियरिंग दैट इज ES और दूसरा आपका ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज। तो ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज और एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग दो नए सब्जेक्ट है जो यहाँ पर अलॉन्ग विथ अदर सब्जेक्ट्स को एड किए गए हैं। फिर जो हमारा थर्ड और इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है IIT बॉम्बे has also relaxed the eligibility criteria for students. So eligibility criteria को यहाँ पर काफी ज्यादा modify किया गया है और ये basically advantages है हमारे pre-final year students के लिए, क्योंकि यहाँ पर the eligibility criteria has been relaxed from the minimum of 10+2+4, मतलब instead of final year यहाँ पर टू अ मिनिमम ऑफ 10+2+3, मतलब करंट थर्ड ईयर स्टूडेंट जो हमारे प्री फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पर एक बहुत अच्छी खबर है कि उनको एक मौका दिया जा रहा है आईआईटी बॉम्बे द्वारा। हालांकि ऐसा हम नहीं कह सकते कि गेट 2022 वाला जो सेशन होगा उसमें ये क्राइटेरिया रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो प्रीवियस आईआईटीज क्राइटेरियाज इंट्रोड्यूस कर देते हैं वो आगे भी कंटिन्यू होता है। तो थर्ड ईयर स्टूडेंट जो कि सेकेंड ईयर से ही तैयारी में लग जाते हैं और काफी ज्यादा सीरियस होते हैं गेट को लेकर, तो उनके लिए यहाँ पर एक बहुत अच्छी खबर ये हो गई कि भाई उनके लिए तैयारी करने के साथ साथ आप गेट दे सकते हो प्री फाइनल ईयर में, और अगर आपका मान लो बाई चांस गेट उतना अच्छा स्कोर नहीं जाता तो फाइनल ईयर में तो आपके पास दूसरा चांस रहेगा, मतलब कॉलेज में रहते रहते आपके पास PSUs को पाने के लिए यहाँ पर एक बहुत अच्छा मौका दिया गया है। फिर यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आईआईटी बॉम्बे गेट 2021 के लिए बताई गई है वो ये है कि यू कैन आल्सो ऑप्ट फॉर टू सब्जेक्ट पेपर्स। जैसे आप मैकेनिकल के हो या सिविल के हो तो आप सिर्फ सिविल या सिर्फ मैकेनिकल से दोगे, लेकिन जैसे मैकेनिकल वाले होते हैं उनके पास मटेरियल साइंस का ऑप्शन होता है, प्रोडक्शन का ऑप्शन होता है, तो यहां से आप हो सकता है मैकेनिकल से दो और अगर आपका मन है तो आप प्रोडक्शन या डिफरेंट रिलेटेड ब्रांचेस से भी दे सकते हो। इसका एग्जैक्ट क्राइटेरिया क्या है ये हम लोग एक दूसरे वीडियो में देखेंगे और इसके लिए आपको एक डिटेल नोटिफिकेशन पूरा चेक भी करना पड़ेगा गेट का, लेकिन यहाँ पर जो चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों वो ये है कि यू कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर टू सब्जेक्ट पेपर्स फ्रॉम द प्रिस्क्राइब्ड सेट ऑफ कॉम्बिनेशंस। तो जो प्रिस्क्राइब्ड सेट ऑफ कॉम्बिनेशंस एक दिया हुआ है गेट 2021 का, वहां से आप इस चीज को देख सकते हो कि आप कौन से दो पेपर्स के लिए एलिजिबल हो। ऑलराइट, तो गिवन कॉम्बिनेशंस में से फिर यहाँ पर आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कि क्या आपको यहाँ पर कौन से दो सब्जेक्ट्स का कॉम्बो जो है वो आप ले सकते हो। उसके अलावा अगर इन जनरल बात करें यहाँ पर, तो 3 घंटे का पेपर होता है, आपको पता है 65 क्वेश्चंस होते हैं और जहां पर आपका जनरल एप्टीट्यूड और टेक्निकल पोर्शन जो हमारा दोनों चीजें होती हैं, ठीक है, तो टोटल 65 क्वेश्चंस आपके होते हैं, 100 मार्क्स का पेपर होता है और इवन मैकेनिकल के लिए आपको पता है कि कितने मार्क्स आपको चाहिए PSUs के लिए, तो आपको उसी तरीके से अपने आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे कि आपको पता है NAT जो होता है हमारा न्यूमेरिकल आंसर टाइप, उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी जाती है,
ठीक है, बाकी आप नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स को एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, एंड जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो हम आप लोगों के साथ अपने डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस में शेयर कर दिया करेंगे। बाकी एक बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या बाकी सारी चीजें मैं आपको एक QR कोड दे दे रहा हूँ वीडियो में, ठीक है, उस QR कोड पे क्लिक करके या उस QR कोड को सॉरी क्लिक नहीं करना है, स्कैन करना है, स्कैन करके आप ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाइए और वहां जाकर सारी जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है वो एक बार बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि 14 सितंबर से यहाँ पर हमारा जो नोटिफिकेशन है मतलब जो फॉर्म फिलिंग का प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद हमारा 30 सितंबर तक ये चीज रहने वाली है, ठीक है। एंड आई होप कि आप लोग अच्छे से प्रिपेयर ऑलरेडी कर ही रहे होंगे, कोविड की वजह से काफी ज्यादा यहाँ पर डिस्टर्बेंस तो हुआ ही है, लेकिन नो डाउट यहाँ पर आपके पास टाइम काफी ज्यादा है क्योंकि कॉलेज आपको जाना नहीं पड़ रहा। तो अगर बात करें यहाँ पर एग्जामिनेशन फी, वो तो आपको पता ही रहता है 1500 रुपए है, और एक्सटेंशन पीरियड में ये 2000 रुपए रखी गई है, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट्स एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए 750 है नॉर्मल कंडीशन में, और एक्सटेंशन पीरियड में ये है 1250 रुपए, ठीक है। तो यही सारी इंपॉर्टेंट बातें थी जो इस वीडियो में मुझे आपको बतानी थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और मैक्सिमम से मैक्सिमम चैनल को शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।